गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल वीडियो में। और आज की वीडियो यार वो डिले आ रही है क्योंकि मैं हो गया था कंफ्यूज कि भाई अगली वीडियो किस पे करें। तो मेरा एक दोस्त कहता कि भाई फायर क्राई सीरीज कंटिन्यू कर, और दूसरा कहता कि भाई पबजी मोबाइल का टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 2 बना दे। तो मैंने कहा क्यों ना क्यों ना दोनों में से कोई भी वीडियो ना बनाई जाए। तो इसलिए कंटेंट की तलाश में हम लोगों ने पहले 15-20 मैच इरेंगल खेले, और इरेंगल में कुत्ते की तरह पिटने के बाद, लाइक हर एक ऐरे गैरे से मार खाने के बाद, मैंने कहा यार बहुत पिट लिए, चलो सैनोक बूट कैंप उतरेंगे, 5-7 किल करेंगे, मज़ा आएगा। तो इसलिए कंटेंट की तलाश में अब हम आ गए सैनोक। और वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा, अब क्यों वीडियो का टाइटल ऐसे पढ़ा है गेम प्ले देखो समझ आएगा। और मैं बीच बीच में ऐसी बकवास करने आता रहूँगा, तो अभी के लिए टाटा। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे अपनी फेवरेट गन मिल जाती है AKM, और AKM लेके भैया मैं निकल ही रहा होता हूँ कि इतने में आवाज़ आती है टीममेट से कि भाई बचा लो। भाई हीरो बन के घुसे थे रेड बिल्डिंग में कि नहीं मैं तो सीधा वहीं जाके लूटूंगा, और गन वन मिली नहीं थी कुछ, और दिख गए दो बंदे, तो भाई की फट गई। अब फटी तो हमें जाना पड़ेगा बचाने के लिए, तो अब देखो हम कैसे बचाते हैं। तो यहाँ पे हम बचा ही रहे होते हैं अपने साथी को कि पीछे से जवाबी कार्रवाई हो जाती है उनके खिलाफ, और भाई हो जाते हैं नॉक। ठीक है, बट भाई मेरे को समझ नहीं आता ये आदमी क्या सोच रहा था। लाइक दो बंदे इसको पता है यहाँ पे हैं, पर ये यहाँ पे आके लूट कर रहा है। लूटने के चक्कर में भैया इतनी बुरी मौत मिली उस बेचारे को, सारी जिंदगी रोएगा कि मैंने दोबारा पेन किलर नहीं उठानी। तो अब इनको मार मूर के रेड बिल्डिंग क्लियर करने जाएंगे, और हमारे दो नंबर भाई अब पेल के किल करने वाले हैं, तो मेरे से ज्यादा आपको उनके किल देखेंगे। अब देखो तो भाइयों, अब होता क्या है कि यहाँ पे एक बंदे को मिल जाती है हमारी टीम में फ्लेयर, और अब वो भाई कहता है कि भाई मैं तो फ्लेयर मंगाऊंगा और फ्लेयर की गन से ही किल करूंगा। तो अब फ्लेयर तो भैया जब भी मंगाई जाती है कुछ ना कुछ तो नाटक होता ही है। ये तो मतलब फैट बात है भैया, तुम चाहे KRJP सर्वर में भी क्यों ना खेल रहे हो, तुम फ्लेयर मंगाओगे ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नाटक तो होना ही होता है। तो अभी नाटक होगा और देखना क्या नाटक होता है। तो यहाँ पे अभी हमारे भाई ने बस फ्लेयर चलाई थी कि दो दो लोग आ गए उस पर अपना हक जताने। तो भैया अब आएंगे तो मारना तो पड़ेगा ही, चाहे मैं मारूं चाहे मेरे साथी मारे, मौत तो उन्हें मिलनी है। तो हमने उन्हें मौत दे दी, अब तसल्ली से फ्लेयर लूटेंगे, मतलब मैं नहीं लूटूंगा मेरे भाई लूटेंगे, दो नंबर जो अभी थोड़ी देर पहले मदद की गुहार लगा रहे थे। तो भाई इस ड्रॉप में उन्हें मिल जाती है ऑग और AWM, और हाउ सम पीपल लाइक टू कॉल इट एज ओम। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता ये नाम किसने रखा है यार, मतलब कुछ खा रहा था बंदा तो नाम रख दिया कि क्या है। अब कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें क्या लगता है, अच्छा AWM बोलना कि ओम, ठीक है ना।
मैं कर देना यार, कमेंट की भीख ही मांग रहा हूँ एक तरीके से। ये सामने देख रहे हो ये पीले रंग की चीज? हाँ बस यही 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 चीज है जिसने शुरू किया है इस वीडियो में बकचोदी का इंतकाम। मतलब इस चीज ऑटो में बैठने के बाद से इस वीडियो में कुछ नहीं होगा सिवाय बकचोदी के, सिवाय टाइम पास के। हम लोगों ने गेम को सीरियस ही नहीं लिया, पूरी गेम को देख रहे हो, 4 किल है मेरे, बाकी सहपाठियों के भी कुछ खास नहीं है। इतना हम लोगों ने टाइम पास किया है ना इसके बाद, इस ऑटो को बैठने के बाद, आपको मैं बता नहीं सकता। हमारा चौथा बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो बोल रहा था भाई खेलना है कि नहीं खेलना है तुम लोगों ने, ये सिर्फ टाइम पास करने आए हो। उस बेचारे को भी इतनी गालियां पड़ गई, कुछ कहने की हद नहीं, सोच रहा होगा किससे पाला पड़ गया फालतू में। तो भाइयों यहाँ पे हम लोग अपनी ही दुनिया में चिल करते हुए मज़े करते हुए निकल रहे होते हैं कि अचानक से भैया गोलियाँ चल जाती हैं हमारे खिलाफ, और मैं यहाँ पे स्नाइपिंग करने की नाकाम कोशिश करता हूँ और भाई AWM से किल लेके चले जाते हैं, क्या कर सकते हैं। पर टाइम पास कर रहे थे हम लोग अपना, आराम से गोली चली तो हमने कहा चलो यार लड़ाई झगड़ा कर ही लेते हैं फिर यहाँ पे। तो इसी चक्कर में 2 नंबर भाई ऊपर तक भाग गया अकेले, कहते कि नहीं भैया मैं ही बनूंगा आज तो अपने मोहल्ले का श्राउड। तो वहां पे वो लड़ रहे हैं, यहाँ पे मैं करने ही वाला होता हूँ बंदे का किल की पीछे से च्यवनप्राश भाई किल चुरा के ले जाते हैं बड़ी बेशर्मी से। और देखते ही देखते जो चौथा बंदा होता है वो भी आ जाता है हमारे साथ गुट में, बट क्योंकि ऑटो में 3 ही बंदे बैठ सकते हैं तो हमने कहा चलो इनके साथ एक खेल किया जाए। तो क्या खेल है वो आप लोग आगे देखना। तो याद है मैंने आपसे कहा था कि हम चौथे बंदे के साथ एक खेल करेंगे आगे जाके, तो वो खेल यही था, इसे मैंने जानबूझ के मरने दिया। मतलब बचा सकते थे हम लोग बट हम लोगों ने इसे बचाया नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो यार हम 3 फुल मजे कर रहे हैं, क्या किसी चौथे बंदे को बुला के मजा किरकिरा करना, तो इसे हमने मरने छोड़ दिया। और भाई ने जी भर के खुश होके हमें गालियाँ दी थी,
अगर वो ऑडियो रिकॉर्ड होती तो मैं ज़रूर डालता, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते रहो भैया वीडियो, मज़े करो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो भाई लोग, हम यहाँ पे ऐसे ही देख रहे होते हैं बंदों की तलाश में, तो अचानक से क्या होता है कि दो नंबर भाई नॉकआउट। अब इस भाई ने पता नहीं मैच में कितनी बार नॉकआउट होने की कसम खाई थी, शायद पूरी हो ही गई होगी अभी तक तो। खैर हुई नहीं है, अभी दोबारा होगा भाई, देख लेना। तो बंदा दिख जाता है मेरे को और मैं भूल जाता हूँ कि भैया मैं AKM चला रहा हूँ, तो इतनी दूर से स्प्रे करूँगा। तो मेरी किस्मत थी कि बंदा नॉक हो गया, वैसे होना नहीं चाहिए था, बस किस्मत थी, उसको नॉक कर दिया। तो अब यहाँ पे भाई साहब मेरे साथ एक बहुत बुरा सीन होने वाला है। मेरे को लगा कि एक बंदे को मैंने यहाँ नॉक कर दिया है और एक और बंदे को इन लोगों ने पहले नॉक कर दिया होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हीरो बन के आगे गया और देखा यहाँ पीछे एक बंदा सांप बना हुआ है। तो अब जैसे तैसे मेरे भाइयों ने इसको निपटा के मेरे को बचाया, और बचाने के बाद आगे क्या नाटक होगा आप लोग देखना। तो भाइयों, मैंने आपसे बोला था ना अभी और नाटक होने हैं, तो अब नाटक का सिलसिला होगा शुरू। तो हम लोग यहाँ पे घुस रहे थे बिल्डिंग में कवर लेने के लिए कि हमारे को गोलियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, और च्यवनप्राश भाई नॉक। अब नॉक हो गया तो पहला काम ये होता है कि भैया नॉक बंदे को रिवाइव करो, बट हमें बंदा तो दिख नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसको दो नंबर को कि भाई तू जा बंदे को किल कर, मैं इसको बचाने जाता हूँ। पर इतने में भाई ये भाई हार मान चुका था, कह रहा था मैंने नहीं खेलना, मैंने नहीं जीना, कि जाके खड़ा हो गया उसके फायर में और मेरा आना भी बर्बाद हो गया। और इतनी ही देर में भाई दो नंबर फिर से नॉकआउट। मतलब इतना क्या नॉकआउट होने का तुम्हें यार वो पड़ा हुआ है, गेम क्यों खेलते हो, नॉकआउट ही होना होता है। तो नहीं, हमें तो सिर्फ नॉकआउट होना है। अब यहां मैं इसको बचाता हूं और इतने में ये भी खत्म। तो अब भाई मेरे को आ जाता है गुस्सा, मैं कहा अब तो सबको मैं ही पेलूंगा, और यहां मैं अब पेलना शुरू करूंगा बंदों को, देखते जाओ। It was at this moment he knew he fucked up.
घंटा सेट शो पट से お前はもう死んでいる。何？おわたくびでギゼブ。सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वैसे इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो खास था नहीं और सर्वर भी यूरोप ही था, पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो भाई मेरे को बहुत मज़ा आया इस मैच में और मैंने सोचा यार क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो में मेरे को आप देख सकते हो ओवर अचीवर का टाइटल भी मिला था, तो उसके लिए भी है। और लास्टली हम सबकी तरफ से एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस है आप लोग के लिए। अब इस डांस परफॉर्मेंस को देख के यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करके जाना। और भाइयों देख लो, अगर नहीं करोगे ना तो यार माता रानी पाप लगाएगी, नवरात्रे वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है ना? तो कर देना याद से, ठीक है दोस्तों। तो एज यूजुअल जो हमारी लास्ट लाइन रहती है, इट्स योर बड़ी रैंडम गेमर साइनिंग आउट।